अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिकेशन स्किल्स लेक्चर 2। आज के दिन हम पर्सनल स्किल्स पे बात करेंगे। उम्मीद है इस लेक्चर से हम बहुत कुछ लर्न करेंगे और हम जो कुछ लर्न करेंगे उसे हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई भी करेंगे, बिकॉज आपकी लर्निंग दो किस्म की है। एक आपकी एकेडमिक लर्निंग है और दूसरा एकेडमिक लर्निंग करने के बाद उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। इस कोर्स की खूबसूरती ये है कि आप यहाँ जो कुछ भी सीखेंगे आप इसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये क्योंकि कम्युनिकेशन का कोर्स है, इस नाते आप इस कोर्स की ली हुई नॉलेज को अपने घर से अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। अपने घर पे आप कम्युनिकेशन करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, रिलेटिव से, अपने घर पे मेड्स से कम्युनिकेशन की जाती है। ये तमाम के तमाम डिफरेंट कम्युनिकेशन के सेटअप हैं कि जिनमें आपकी ऑडियंस चेंज होती रहती है और आप अपनी उसी ऑडियंस के रेलेवेंस में अपने मैसेज को अलाइन करते रहते हैं। जब आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो आपकी टोन डिफरेंट होती है, जब आप अपने सिबलिंग्स से बात करते हैं तो आपकी टोन डिफरेंट होती है, जब आप अपनी मेड्स से बात करते हैं तो आपकी टोन डिफरेंट होती है। ये कम्युनिकेशन की दुनिया है और ये कम्युनिकेशन की स्किल्स। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हमारा करने का मेन मकसद यह होता है कि हमारा अपनी ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन डेवलप हो चुका होता है और हमें पता होता है कि इस ऑडियंस के साथ हमें किस तरीके से कम्युनिकेशन करनी है ताकि कम्युनिकेशन अपनी असल स्पिरिट में मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा सके। जब आप अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेशन करते हैं तो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट आपकी आवाज़ में होता है, जब आप अपने सिबलिंग्स से कम्युनिकेशन करते हैं तो एक शरारत का एलिमेंट अक्सर आपके अंदाज में होता है, और जब आप अपनी मेड से कम्युनिकेशन करते हैं तो ज़रा सा आपकी आवाज़ और आपकी टोन में एक ऑर्डर फॉर्म थोड़ी सी डोमिनेंट हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ टोन्स हैं जो हम यूटिलाइज करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। वर्बल मैसेजेस और नॉन वर्बल मैसेजेस क्या होते हैं? जब भी हम शख्स किसी भी शख्स से बात करने का इरादा करते हैं और अपने मैसेज को ड्राफ्ट करते हैं, उस मैसेज को ड्राफ्ट करने के बाद हम यहाँ जब हम ड्राफ्ट के करने की बात करते हैं तो जैसा कि हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था इनकोडिंग, सो एक सेंडर अपने मैसेज को इनकोड करता है, अपनी थॉट्स को कन्वर्ट करता है प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर, और प्रॉपर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद उसकी सीक्वेंसिंग अपने जहन में करता है। इस सीक्वेंसिंग को करने के बाद वो एक पूरा मैसेज ड्राफ्ट करता है। इस मैसेज को ड्राफ्ट करने का मेन मकसद ये होता है कि आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि आपकी टारगेट ऑडियंस तक मैसेज उसी फॉर्म में पहुंच पाए कि जिस फॉर्म में आप वो नतीजे हासिल कर सकते हैं जो कि आप अपनी इस कम्युनिकेशन से हासिल करना चाहते हैं। वर्बल मैसेजेस क्या हैं? जब आपने किसी शख्स से कम्युनिकेशन करनी है आप मैसेज को ड्राफ्ट करते हैं, और मैसेज को ड्राफ्ट करके जब भी आप कोई मैसेज ओरेटरी की फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं, हर वो फॉर्म के जिसमें आप बाकायदा बात करते हैं और बात करके मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं, तो दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज कैरिंग वर्बल मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। वर्बल मैसेजेस बेसिकली आपको बात करने पे मजबूर करते हैं, यू टॉक एंड यू चूज द प्रॉपर वर्ड्स टू कम्युनिकेट योर मैसेजेस। इसके साथ साथ जब आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं
सो एक और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि इसके पैरेलल चल रही होती है और वो कहलाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब सोचने की बात यह है, जब हम ऑलरेडी एक मैसेज को ड्राफ्ट कर लेते हैं, मैसेज को इनकोड कर लेते हैं, प्रॉपर मीडियम का चुनाव कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैसेज को प्रॉपरली हम कम्युनिकेट भी कर देते हैं, तो फिर हमें क्या जरूरत है नॉन वर्बल मैसेजेस को अहमियत देने की? इज इट रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गिव इंपॉर्टेंस टू नॉन वर्बल मैसेजेस? इज इट रियली इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू केयर अबाउट दीज नॉन वर्बल मैसेजेस? व्हाट इफ वी डू नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू नॉन वर्बल मैसेजेस? व्हाट इफ वी जस्ट टोटली फोकस ऑन वर्बल मैसेजेस? सो विल वी बी अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स? द आंसर इज नो, बिकॉज अलॉन्ग विद दीज वर्बल मैसेजेस देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक मैसेज को जब आप कम्युनिकेट करते हैं अपने रिसीवर तक, सो लफ्जों के साथ साथ मुख्तलिफ अवामिल हैं जो कि इंक्लूड हो रहे होते हैं उस मैसेज के साथ जो एक रिसीवर तक पहुंचता है। नॉन वर्बल मैसेजेस के अंदर बहुत सी चीजें हैं जो कि शामिल होती हैं। सोचिए कि अगर आप किसी के घर फ्यूनरल पे जाते हैं और आपको पता है फ्यूनरल पे जाना है, आपने वर्बल मैसेज ये है कि आपने वहां पे जाके कंडोल करना है, किसी के इंतकाल का पे इजहार अफसोस करना है, और आपके जहन में सिर्फ ये होता है कि मैंने उसके घर पे जाके इजहार अफसोस करना है और इजहार अफसोस करके मुझे आ जाना है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में आप ज़्यादा सोचते नहीं। और मिसाल के तौर पे कोई बंदा बिल्कुल भी सोचता नहीं है नॉन वर्बल मैसेजेस के बारे में, बिल्कुल ध्यान या जा उसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, उसकी अहमियत को उसको अंदाजा नहीं है। अब वो शख्स ऐसा करता है कि किसी घर फ्यूनरल पे जाता है, फ्यूनरल पे जाने के बाद वो शख्स उसके पास कोई टेलीफोन कॉल आ जाती है और टेलीफोन कॉल आती है, वो कह के मार के हंसता है, कह के मार के हंसता है, उस पर जोक्स शेयर करता है, इतना हंसता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और शदीद तरीन तरीके से वो लॉफ्टर करता है, और उसके बाद फिर उसी फ्लो के अंदर वो कॉल को डिसकनेक्ट करता है और अपनी उस ऑडियंस से जिनके घर वो कंट्रोल करने के लिए गया होता है बात करना शुरू करता है। अभी वो क्योंकि टेलीफोन पे वो हंस रहा था और उसने हंसते हंसते उस कॉल को अटेंड किया, दो के वो फ्यूनरल पे गया था लेकिन उसे कॉल को अटेंड करके उसने हंसी मजाक का फुल फुल रिस्पॉन्स दिया, और रिस्पॉन्स इस तरीके से दिया कि उसने खुद भी हंसी मजाक किया, लाफ्टर उसने अपना पूरा इंजॉय किया और लॉफ्टर के साथ रिस्पॉन्स दिए उस कॉल को। नाउ ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट बैक टू दैट पर्सन टू होम ही इज गोइंग टू कंट्रोल और विद होम ही इज गोइंग टू कंट्रोल। सो अभी उसकी आवाज के अंदर हंसी के एलिमेंट्स बाकी थे और वो कंट्रोल करना शुरू करता है। ऐसे में आप सोचिए वो बंदा अपने अल्फाज तो कंडोलेंस के डिलीवर कर रहा होगा कि मुझे बहुत अफसोस है इनके इंतकाल का, बहुत अच्छे आदमी थे या बहुत अच्छी खातून थी, लेकिन इन वर्बल मैसेजेस के साथ कुछ नॉन वर्बल मैसेजेस भी कम्युनिकेट हो रहे हैं। जो सामने वाला आपका रेसिपेंट है वो इस चीज के बारे में बहुत परेशान है कि आया क्या आप उस मैसेज को डिलीवर करने के बारे में संजीदा भी हैं या नहीं, आया कि वो मैसेज आप दिल से कम्युनिकेट कर रहे हैं या सिर्फ आप रस्म पूरी कर रहे हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन बिल्कुल अधूरी है अगर हम कम्युनिकेशन करने के बाद भी कम्युनिकेशन के असल नतायज को हासिल ना कर सके। सो नॉन वर्बल मैसेजेस को समझने के लिए इससे बेहतरीन कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकती, या डेफिनेटली हो सकती है बट दिस इज एन एग्जाम्पल विच इज वेरी मच एक्सप्रेसिंग हाउ द नॉन वर्बल मैसेजेस प्ले पार्ट व्हेन वी कम्युनिकेट टू समबडी। अभी जब ये शख्स जो कि अभी अभी किसी के कंडोलेंस करने के लिए गया था, अफसोस करने के लिए गया था, और इसने फोन पे कह के मार के ऐसे अपनी हंसी मजाक के बातचीत कंप्लीट करी और अभी कंट्रोल करना शुरू करता, तो इसकी आवाज में अभी तक वो हंसी का मजाक का एलिमेंट बाकी था और इसने उससे कंट्रोल करना शुरू किया। अभी जब ये कंट्रोल भी कर रहा था तो उसका अंदाज बहुत मीठा था और बहुत उसी फ्लो में, क्योंकि उसने अभी अभी फोन बंद किया था और उसी में फ्लो में से बात करना शुरू की, तो अभी इसकी हंसी का एलिमेंट जो था उसके अगले मैसेज के अंदर भी आ रहा था और उसने उसी में जाके कंट्रोल किया कि मुझे आपके वालिद का या आपकी वालदा के इंतकाल का बहुत अफसोस हुआ, शी वॉज ही वॉज वेरी नाइस पर्सन। बट दो ये वर्बल मैसेज तो बहुत
जबरदस्त है, अपनी पूरी सिंसियरिटी को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, बट नॉन वर्बल मैसेजेस आर नॉट सपोर्टिंग द ट्रू मैसेज, बिकॉज इन नॉन वर्बल मैसेजेस देयर इज In non-verbal messages, there is a smile on that person's face. In non-verbal messages, there is an element of pleasure and happiness in his voice. In non-verbal messages, his voice is still having element of being happy and being pleased over something. आवाज में अभी तक वो खुशी के आसार मौजूद होंगे और उसमें उसी में उसने बंदे ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया. तो ये है नॉन वर्बल मैसेजेस. एक लम्हे के लिए सोचिए कि कोई बंदा किसी के कंट्रोल करने के लिए गया और वो हंस हंस के कंट्रोल कर रहा है, तो क्या वो इससे बेहतर था कि वो बंदा वो कम्युनिकेशन ना करता? बिकॉज उस कम्युनिकेशन को करने के बाद उसने अपनी रेपुटेशन का डिजास्टर कर दिया. यही चीज नॉन वर्बल मैसेजेस करते हैं. अगर हम नॉन वर्बल मैसेजेस प्रॉपर तरीके से इंक्लूड ना करें कम्युनिकेशन के अंदर, तो हमारी कम्युनिकेशन एक डिजास्टर का सामना कर सकती है. इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल इसकी ये हो सकती है कि आप किसी के घर किसी की शादी में जाते हैं और शादी में जाके आप दूल्हा दुल्हन से आप इजहार अपनी खुशी का इजहार करते हैं कि हमें बहुत खुश हुई आपकी शादी हुई और आपकी शादी के पर हम बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं और आपके लिए बहुत दुआगो हैं. लेकिन जब आप ये बात उससे करते हैं उस वक्त, उससे कुछ लम्हा पहले आपका किसी झगड़ा हुआ था और आप इंतहाई शदीद तरीन झगड़ा करके गए थे और आपका मूड बहुत ख़राब था और उसी झगड़े की कंडीशन ही के अंदर, उसी माइंडसेट के अंदर आप उस शादी हॉल पहुंच गए और आप वहां पे जाके शादी हॉल के अंदर आप दूल्हा दुल्हन से अपनी खुशी का इजहार करने की कोशिश करते हैं, तो दो कि आपका मैसेज तो बेसिकली मुबारकबाद का होगा, लेकिन आपका जो टोन, आपकी जो टोन होगी और आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन होंगे वो आपकी बात का साथ नहीं दे रहे होंगे. आप कह तो रहे होंगे कि आपको बहुत खुशी है कि दोनों की शादी हुई, लेकिन आपकी टोन में गुस्सा होगा, आपके चेहरे पे गुस्से के आसार नुमाया होंगे, आपके चेहरे पे एग्रेशन और एग्रेसिव होने वाले आसार नुमाया होंगे अगर आपने नॉन वर्बल मैसेजेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी. तो इन दो एग्जांपल्स हम ये समझ पाए कि हमें कम्युनिकेशन करते वक्त न सिर्फ वर्बल मैसेजेस को ध्यान रखना होता है बल्कि उसके साथ साथ नॉन वर्बल मैसेजेस का भी ध्यान रखना होता है. वर्बल मैसेजेस के अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग पॉजेस कहाँ लेकर आते हैं. पॉजेस भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही की एक फॉर्म है. इसकी एक बेस्ट एग्जांपल अगेन यही है कि जो कि अक्सर हम अपने एकेडमिक्स के अंदर हमने सुनते आए कि एग्जाम्पल जो कि दी जाती है कि एक स्टेटमेंट है जिसको लोग कहते हैं, एक में कहते हैं रुको मत जाओ और एक है रुको मत जाओ. सो इट्स द सेम वर्ड रुको मत जाओ, बट वेयर यू इंक्लूड द पॉज दैट टोटली ब्रिंग्स द डिफरेंस इन द ओवरऑल मीनिंग. तीन लव्स रुको मत जाओ, लेकिन पॉज का इस्तेमाल कहाँ किया गया? ये पॉज का इस्तेमाल तमाम के तमाम मैसेज को जाके चेंज करता है, कर देता है. इन तीन अल्फाज की डिलीवरी आपने पहले किसी कैसे की, रुको मत जाओ, इसका मतलब आप जो ऑडियंस है आपका जो रेसिपिएंट है उसको ये कहने की कोशिश करें कि वो वहां पे रुके नहीं बल्कि वहां से चला जाए, रुको मत जाओ. और सेकंड वाले सिचुएशन के अंदर अगेन यही अल्फाज हैं, रुको मत जाओ. और इन्हीं तीन अल्फाज की अदायगी कुछ इस तरीके से होती है, रुको मत जाओ. सो ऑल टुगेदर मीनिंग चेंज हो गया. पहले वाले के अंदर जो रेसिपिएंट है आप उससे कह रहे हैं कि रुक जाए वो वहां पे, वो रुके नहीं वो चला जाए वहां से. सेकंड वाली के अंदर आप ये मैसेज दे रहे हैं कि वो बंदा रुक जाए वो आगे जाए नहीं. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. दीज पॉजेस डू प्ले पार्ट. आप अपने इस वर्बल को क्राफ्ट कैसे करते हैं और उसके बाद इस वर्बल मैसेज की डिलीवरी आप कैसे करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी जिनसे हमें अंदाजा हुआ होगा कि हम जब कम्युनिकेशन की दुनिया में एंटर होते हैं तो बज़ाहिर एक ऐसी दुनिया जो कि बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हमें जिनका ध्यान करना पड़ता है. अगर हम उनका ध्यान ना करें तो हम कम्युनिकेशन का डिज़ास्टर कर सकते हैं. हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर इन कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स का ख्याल ना किया जाए तो कितना बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है ये आप सोच सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर देयर फॉर ग्रोथ, व्हिच आर वर्किंग फॉर ग्रोथ,
But if these communication principles are not taken care of in the presentations which are given to group, if these non-verbal messages are not given importance, if these non-verbal messages are not given heed, there is going to be a serious disaster. There is going to be a serious consequence. You cannot imagine a CEO coming to the company wearing only vest and shorts. You will expect some decent dressing from the CEO. Now, no matter how educated that CEO is, भले से वो ऑक्सफोर्ड या किसी भी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी, एम्स, कराची यूनिवर्सिटी, किसी भी अच्छी इंस्टीट्यूशन से उसने अगर अपनी तालीम हासिल कर रखी हो, लेकिन अगर उसने अपना अटायर प्रॉपर नहीं किया, अगर उसने अपनी ड्रेसिंग प्रॉपर नहीं की, सो वो शख्स बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है. डिस्ट्रैक्शन किस लिहाज से कि हम जब किसी शख्स से कम्युनिकेशन करते हैं तो देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस व्हिच वी हैव फ्रॉम दैट पर्सन हु इज डिलीवरिंग दैट मैसेज. उसी सीईओ की अगर हम बात करें तो वी वुड नॉट एक्सपेक्ट द सीईओ टू वॉक इनसाइड द बैंक और वॉक इनसाइड दैट यू नो दैट दैट मल्टीनेशनल जस्ट वेयरिंग द वेस्ट एंड द शॉर्ट्स. वी वुड एक्सपेक्ट सम डीसेंट ड्रेसिंग. Therefore, it is very important, and you cannot, you know, enter into a formal meeting with another company while having this dress worn on. So, because of this reason, it is very important that when we are communicating and when we are delivering our verbal messages, we do give importance to appearance. So, appearance is a non-verbal communication which has got strong impact over our audience. Appearance की बहुत importance है. एक example अभी हमने CEO की दी, एक और example ये हो सकती है कि अगर आप खुद interview देने के लिए जाते हैं, आप किसी जगह पे आपका किसी bank में interview होता है for example, या किसी भी media के institution के अंदर आपका interview होता है, और आप उस interview वाले दिन आप properly अपने बालों को brush नहीं करते, आप का जो ड्रेसिंग है वो ड्रेसिंग बिल्कुल आपने कैजुअल अपने की होती है, और अपने स्लीपिंग ड्रेस के अंदर मिसाल के तौर पे आप इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हैं, आप फॉर्मल शूज़ नहीं पहनते, आप घर के ही स्लीपर्स को यूज़ करते हुए आप इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हैं, तो डू यू थिंक विद ऑल दिस अपीयरेंस यू कैन गेट सक्सेसफुल इन दैट इंटरव्यू? आई डोंट हैव टू टेल यू, यू विल बी टेलिंग इट योरसेल्फ टू योरसेल्फ that with this attire, with this appearance, nobody can get successful in the interview. Therefore, it is very important ki aapki appearance proper honi chahiye. Non-verbal messages ke andar appearance ki bahut ahmiyat hai. Aapke verbal messages ke andar aapko tone ko proper rakhna hai. Aapko aisa message jiske andar aap khushi ka izhar karna chah rahe hain, to aapke andar ya aapki awaaz ke andar एक खुशी और मुसरत का पहलू नुमाया होना चाहिए. इट शुड बी एविडेंट इन योर वॉइस दैट यू आर हैप्पी ओवर समथिंग, बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट अ मैसेज इन विच देयर इज हैप्पीनेस यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, देन देयर शुड बी एन एविडेंट एलिमेंट ऑफ हैप्पीनेस इन योर वॉइस. लाइकवाइज अगर आप एक किसी सैड मैसेज को कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो देयर शुड बी एन एलिमेंट ऑफ सैडनेस इन योर वॉइस. कम्युनिकेशन के लिए वर्बल मैसेजेस को ड्राफ्ट करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ऑडियंस के लिहाज से अपनी लैंग्वेज का चुनाव करें, उसके बाद अपने पॉजेस को आप अप्रोप्रिएटली प्लेस करें, और उसके बाद आप देखें कि आपका जो मैसेज है कहीं वो बहुत ज़्यादा वर्डी तो नहीं हो रहा. बहुत ज़्यादा वर्डी मैसेज का मतलब ये कि एक ऐसी बात जो कि आप कम अल्फाज को इस्तेमाल करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगर आप उसी बात को करने के लिए बहुत ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो आप उस मैसेज को वर्डी बना रहे हैं. वर्डी मतलब उसमें आप एक्स्ट्रा वर्ड्स इंक्लूड कर रहे हैं, आप उस मैसेज में नॉइज क्रिएट कर रहे हैं. नॉइज का मतलब आप खामखा का शोर, एक ऐसी चीज़ कि जो मैसेज को डिस्टॉर्ट कर रही है. इस वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू कम्युनिकेट टू योर ऑडियंस यू टेक एंड यूज वेरी अप्रोप्रिएट वर्ड इन योर मैसेज सो दैट द ऑडियंस इज गेटिंग द एग्जैक्ट मीनिंग विद द मिनिमल यूसेज ऑफ वर्ड्स. सो वर्बल मैसेज आपने टोन की को अपने का ख्याल रखना है, आपने पॉजेस का अपना ख्याल रखना है, आपने किस लैंग्वेज का यूज़ करना है आपने इसका ख्याल रखना है, आपने देखना है कि मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए आप
किस तरीके से किन अल्फाज का चुनाव करें, उसके साथ साथ अगर कोई ऐसी कम्युनिकेशन आप करने लगे हैं कि जिसका जिसकी रेलेवेंस किसी पास की कम्युनिकेशन से है, तो आपको चाहिए कि अपनी ऑडियंस के लिए उस पास की कम्युनिकेशन का रेफरेंस दे दें, ताकि ऑडियंस को भी पता हो कि वो जो कम्युनिकेशन अब आप करने लगे हैं वो एक तसलसल है किसी पुरानी कम्युनिकेशन का, वरना एक बेरप्ट कम्युनिकेशन एक पहुंचेगी ऑडियंस तक और ऑडियंस मैसेज को बिल्कुल भी रिसीव नहीं कर पाएगी, बिकॉज आप जो मैसेज का सेकंड आप एपिसोड देख रहे होंगे, थर्ड एपिसोड देख रहे होंगे, इसकी बिल्कुल एग्जांपल यही है कि जैसे आप ड्रामास वगैरह देखते हैं, ड्रामास के अंदर अगर आप किसी ड्रामे को देखना शुरू करते हैं उसके फिफ्थ एपिसोड से, और वो फिफ्थ एपिसोड तक ड्रामा ऑलरेडी शेप पकड़ चुका होता है, उसके बाद अगर आप वहाँ से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, सो यू विल नॉट बी एबल टू कैच द ट्रू स्टोरी ऑफ दैट ड्रामा। लाइक इफ यू स्टार्ट अ मूवी फ्रॉम द मिड और 25 मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट, यू विल मिस सम कोर मैसेजेस ऑफ विच दैट मूवी राइटर वॉज ट्राइंग टू कम्युनिकेट। सो बिल्कुल सेम यही कम्युनिकेशन अप्लाई होती है आपकी रियल लाइफ के अंदर, कि अगर आप किसी शख्स से कम्युनिकेशन करने लगे और उस कम्युनिकेशन का तसलसल किसी पास की कम्युनिकेशन से है, सो आप उस कम्युनिकेशन की रेफरेंस को ज़रूर इंक्लूड करें, ताकि आपकी जो ऑडियंस है, ताकि जो आपका रेसिपिएंट है उस मैसेज को लेके कंफ्यूज ना हो, और अगर किसी वजह से उसने पास की कम्युनिकेशन को मिस किया है तो वो किसी तरीके से उस कम्युनिकेशन तक एक्सेस अपना बना सके, और उसके बाद फिर आपके इस सेकेंड मैसेज को वो वहाँ से आगे कंटिन्यू करके समझने की कोशिश करें। सो वर्बल मैसेजेस की जहाँ इम्पोर्टेंस है, वहाँ नॉन वर्बल मैसेजेस की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। अभी हमने कुछ एग्जाम्पल से देखा अपीयरेंस की कितनी इम्पोर्टेंस है, हमने इसका अंदाज़ा लगाया, और फेशियल एक्सप्रेशंस की कितनी इम्पोर्टेंस है, हमने इसका भी अंदाज़ा लगाया। फेशियल एक्सप्रेशंस अगेन इज़ ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फेशियल एक्सप्रेशंस, जैसे कि हमने एग्जाम्पल दी थी कि कोई शख्स किसी की शादी पर जाता है और वो जब वहाँ पे पहुँचा शादी की महफिल में, तो उससे पहले उसका किसी से झगड़ा हो गया था, उस झगड़े की वजह से उसकी जो आवाज़ और उसके जो चेहरे के तासुरात थे उसके अंदर बेसिकली गुस्से के एलिमेंट बहुत एविडेंट थे, तो उस बिना पर वो मैसेज जो था वो प्रॉपर खुशी का मैसेज वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, बल्कि उसकी आवाज़ के अंदर वही झगड़े वाले आसार उस वक्त भी नुमाया होंगे, चेहरे के एक्सप्रेशन प्रॉपर नहीं होंगे। लाइक वाइज हमने एग्जाम्पल दी थी किसी को कंडोल कर, किसी के घर जो कोई शख्स कंडोल करने के लिए जाता है और उसने कोई कॉल अटेंड करी थी कि जिसमें उसने किसी दोस्त के साथ बहुत हंसी मजाक किया, इस चीज़ को बिल्कुल बालातर करते हुए कि वो किसी के जिसके घर पे गया था वो वहाँ पे कंडोल करने के लिए गया था, मगर वहाँ बैठ के वो कह के मारता रहा, तो अब जब वो शख्स कंडोल भी करेगा तो उसकी बात के अंदर वो अहमियत नहीं होगी। सो फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी हैं, फेशियल एक्सप्रेशन आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक अहम हिस्सा है, जहाँ आपकी अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वही उस आपकी अपीयरेंस के साथ साथ आपके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अहम किरदार प्ले करते हैं आपके मैसेज के अंदर। आप संजीदा गुफ्तगु करते हुए आपके पर चेहरे के ऊपर संजीदा एक्सप्रेशन होने चाहिए। इसी तरीके से अगर आप कोई इंटरेस्टिंग मैसेज बताना चाहते हैं तो आपके अंदर एक्साइटमेंट आपके अंदर दिखनी चाहिए। अगर आप किसी वजह से परेशान हैं और किसी चीज़ का हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशन भी इंक्विजिटिव होने चाहिए, बिकॉज इफ़ योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज सपोर्टिंग योर मैसेज देन द इम्पैक्ट ऑफ योर मैसेज इज गोइंग टू बी ऑफ मल्टीप्लायर लेवल। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है वो बेसिकली स्माइल का है। मुस्कुराहट आपकी एक्सप्रेशन में, आपकी बातचीत में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जब भी आप किसी स्ट्रेंजर से मुलाकात करते हैं या अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो नॉर्मल गोज के अंदर इन द नॉर्मल फ्लो ऑफ लाइफ द स्माइल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यू शुड ऑलवेज वेयर अ गुड स्माइल इन योर फेस। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए भी जाते हैं तो एक बहुत ही डिसेंट स्माइल आपके चेहरे पे होनी चाहिए, कि जिसकी वजह से आपके इंटरव्यू लेने वाला आपसे कंफर्टेबल होगा। आप जब किसी शख्स से बात करते हैं, अपने किसी दोस्त से बात करते हैं, तो भी आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि दैट विल शो दैट यू आर हैप्पी मीटिंग दैट अदर पर्सन। स्माइल shows the message, gives the message of happiness. Smile gives the message of acceptance. Smile gives the message that you are liking the person to whom you're meeting at that time. Though real life ke andar kai martaba aisa hota hai ki hum kisi shakhs se
जब मिल रहे होते हैं तो हमें उसे मिलके इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हो रही होती, वजह ये होती है हमें अंदाज़ा होता है कि किसी शख्स ने आपके आपको डैमेज करने के लिए कुछ किसी से आपकी चुगली की या कोई कम्युनिकेशन ऐसी की जिससे आपकी रेपुटेशन पर डैमेज आया। लेकिन जब भी आप उस शख्स से मुलाकात करेंगे तो सोशल नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए आप फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं। ये कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर होता है, पॉलिटिक्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। अक्सर आपने देखा होगा जब भी पॉलिटिशियन जिनकी आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्ट चल रही होती है, लेकिन जब वो नेशनल असेंबली में उनकी मीटिंग्स होती हैं तो आपस में एक दूसरे से मुस्कुरा के मिल रहे होते हैं। सो ये दिस इज अनदर मैसेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दिस इज अनदर नॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कि जब भी आप किसी शख्स से मुलाकात करते हैं देन यू वेयर अ गुड स्माइल ऑन योर फेस। आई कॉन्टैक्ट एक और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आप जब किसी शख्स से बात करते हैं और आप उस शख्स से बात करते हो, आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करते। आप जब किसी बात कर रहे हैं आप ऊपर देख के बात करना शुरू कर देते हैं, आप अपना मैसेज ऊपर देख के देते रहते हैं, या आप किसी शख्स से बात करते हो मुस्तकिल नीचे देखते रहते हैं, उसके से आई कॉन्टैक्ट नहीं करते, या आप उल्टे अपनी यू नो राइट या लेफ्ट पे देखते रहते हैं लेकिन आप आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं करते। तो मे बी शायद आपकी कम्युनिकेशन के शुरू में तो जो आपकी जो रेसिपी आपका जो रेसिपेंट है उसके लिए इसकी इतनी अहमियत ना हो बिल्कुल मैसेज के शुरू में, लेकिन जब ये चीज़ मुस्तकिल हो जाएगी तो फिर ये रेसिपेंट को इरिटेट करना शुरू कर देगी। इस बिना पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि जब हम अपने अपनी ऑडियंस से बातचीत कर रहे हैं तो हम आई कॉन्टैक्ट का ख्याल रखें और एक अच्छा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखें अपनी ऑडियंस के साथ। बिकॉज अगर हम अपना आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं रखेंगे अपनी ऑडियंस से, सो अगेन देयर इज गोइंग टू बी डिस्ट्रैक्शन एंड द ऑडियंस विल स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू अस नॉट मेंटेनिंग और नॉट मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट एट ऑल विद दैट रेसिपिएंट। ये एक नॉन वर्बल मैसेज, एक आपका जो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन ना करना एक मैसेज ये भी देता है कि आपको किसी से मिलकर बिल्कुल कोई खुशी महसूस नहीं हो रही, आप किसी शख्स से ज़बरदस्ती मिल रहे हैं या किसी से आप बात करने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं रखते थे अगर आपको बात करना पड़ रहा है। सो ऑल दीज मैसेजेस विल बी देयर। आप इमेजिन करें कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और आपसे सामने इंटरव्यू लेने वाला आपसे इंटरव्यू लेते हुए कुछ क्वेश्चन पूछता है और आप मुस्तकिल आप उस इंटरव्यू लेने वाले के बजाय आप ऊपर देख के बात करते रहते हैं। आप कहते हैं येस माई नेम इज़ सो एंड सो एंड आई हैव डन सो एंड सो एंड आई एम लुकिंग to find a job in the organization because I think that I'll be very useful and I'm very very confident I can talk to anybody anytime. aap kyunki mustaqil upar dekh ke baat kar rahe hain, so eventually this is going to irritate the person who is taking the interview. so it is very important that we give importance to the eye contact, because if we will not, then we, no matter how much prepared we are for our interview, no matter how much informed we are regarding the job, but since this is an interview, so the organization would not like to hire a person who is not a balanced communicator. An organization would like to hire a person who is a team player. Therefore, they would want to hire a person with the right character personality traits already there in the personality. Because they would not like to train you at the first place. They would like you to be very, very fully equipped. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने डिस्कस किया वो है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट हमें मेनटेन करना है अपने एज ए सेल्स पर्सन अपने कस्टमर्स के साथ, एज ए टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ, एज ए स्टूडेंट अपने टीचर्स के साथ। हम जब भी किसी से बातचीत करें उनके साथ आई कॉन्टैक्ट मेनटेन करना है। आई कॉन्टैक्ट इस चीज़ को कम्युनिकेट करता है दैट वी आर सिंसियर अबाउट द कम्युनिकेशन वी आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन। Therefore, it is very important that we do give importance to this non-verbal communication, important aspect, which is the eye contact. So, another important aspect of this non-verbal communication is voice. आप अपनी आवाज़, अपना volume कितना maintain रखते हैं अपनी communication के अंदर, ये भी बहुत important है। इमेजिन करें कि उस शख्स आपसे बात कर रहा है और वो बात करते हुए बहुत ही लो टोन में बात करता है, सो आपके लिए उस शख्स से कम्युनिकेशन करना कितना मुश्किल होगा। आप शायद शुरू में तो उस चीज़ को चलाने की कोशिश करें, बट इवेंचुअली यू हैव टू से कि भाई थोड़ी अप्रोप्रिएट आवाज़ में बात करो ताकि मुझ तक आवाज़ तो पहुँचे।
देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम किसी शख्स से बात करें तो उस वक्त हमारी आवाज़, हमारा वॉल्यूम प्रॉपर हो, बिकॉज बहुत ज़रा ऊंची आवाज़ भी बहुत नुकसानदेह होती है और बहुत ज़रा कम आवाज़ भी बहुत ज़रा नुकसानदेह होती है. Therefore, it is very important that we give importance to this important aspect of non-verbal communication, which is voice. आपने अक्सर देखा होगा, मुझे अपने पास्ट के दिनों में से एक एग्जाम्पल याद आई. When I was a student, there was a girl in our class, and initially in the first class, when she had to deliver a presentation, she was talking in such a low voice that nobody was even the persons who were sitting on the front desk, they were not able to listen to her properly. But by working on her this skill, by working on this volume part or voice part of her presentation skills, she later spoke in front of a big hall and she became a great communicator afterwards. So is example se ek important cheez hamare samne aati hai, wo ye ki agar hamare andar ye cheez naturally है, नेचुरली एग्जिस्ट करती है, कि जिसमें हम लोग आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करते, हमारी आवाज़ प्रॉपर नहीं है, या हमारे फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो हम कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉपर नहीं रखते. सो क्या ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम कभी इम्प्रूव नहीं कर सकते लाइफ के अंदर? अभी हमने एग्जाम्पल शेयर की, उससे मैं अंदाजा होता है कि नो, अगर हमारे अंदर ये चीज़ एज अ लैकिंग एग्जिस्ट करती है तो हम इस पर वर्किंग करके अपनी इस स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं. So voice is very important. आपकी वॉइस, आपका वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने अगर बहुत बड़े मजमे से खिताब कर रहे हैं तो आपको ऊंची टोन को मेंटेन करना चाहिए. अगर आप किसी शख्स से कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं वन ऑन वन, तो उस वक्त आपको वो टोन मेंटेन नहीं करनी चाहिए जो कि आप किसी मजमे से खिताब करते वक्त मेंटेन कर रहे थे. आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि इस वाली एग्जाम्पल से कि अगर आप कोई शख्स आपसे जो कि वन ऑन वन कम्युनिकेशन कर रहा है मगर वो टोन मेंटेन करता है जो कि जलसा गाह में पॉलिटिशियन को मेंटेन करना होती है, तो कितना इरिटेटिंग हो जाएगा आपके लिए उस शख्स से बात करना. एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारी बातचीत के अंदर में जिसका हमें ध्यान देना चाहिए वो है एनर्जी, बिकॉज ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एक फॉर्म है जिसकी तरफ हम शायद ध्यान नहीं देते. बट अगर हम एनर्जेटिक नहीं हैं तो हम शायद अपनी ऑडियंस को बोर कर रहे हो. Therefore, it is very important that we maintain a level of energy in our communication, in our voice, so that people who are listening to us, they could know, they could understand that we are sincere with our topic. Because जब हमारी आवाज में, हमारे मैसेज में एनर्जी नहीं होगी तो ये सिचुएशन को कम्युनिकेट कर रही होगी ये सिचुएशन कि probably we are not interested in that topic. Or probably we are not at all willing to talk on that topic. Or maybe we are not having much grip over that topic. Or maybe there is some sad news behind in our mind, which is distracting us to involve properly in that communication which we are involved at that time. So it is very important, jab hum kisi shakhs se baat karein, hum apni awaaz mein energy ko maintain karein. Because humme se har shakhs us shakhs ko pasand karta hai जो कि एनर्जेटिक होता है. आप देखिएगा, आप ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिनके अंदर आपको एनर्जी नज़र आती है, बिकॉज एनर्जी आवाज़ में होना आपके अंदर लाइफ को रिप्रेजेंट करता है. बिकॉज अगर आपके अंदर जब लाइफ होती है, आप जिंदा दिल होते हैं, तो लोग आपसे भी मिलके खुशी महसूस करते हैं. दे वुड लाइक टू मीट यू अगेन एंड अगेन बिकॉज दे फाउंड एनर्जी इन यू. पॉजिटिव एनर्जीज कंटेजियस होती हैं, बिल्कुल वैसी नेगेटिव एनर्जीज भी कंटेजियस होती हैं. कंटेजियस मतलब और लोग भी उन्हीं एनर्जी को अडॉप्ट कर लेते हैं, कर सकते हैं, कर लेते हैं जब आप बेसिकली जिस टाइप की एनर्जी को आप अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करते हैं. सो नेगेटिव एनर्जीज एक नेगेटिव मैसेज अपने साथ रखती हैं, और हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जब हम बात करें किसी शख्स से तो हमें अप्रोप्रिएट एनर्जीज के साथ बातचीत करनी चाहिए, बिकॉज एनर्जी का होना भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी कम्युनिकेशन के अंदर. टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कई मरतबा हमारे पास वक्त कम होता है, और उस कम वक्त के अंदर जब हम बहुत सी कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं तो शायद हम एब्रप्टली बातचीत करने की कोशिश करते हैं. सो
हम किसी कम्युनिकेशन को कितनी देर में करते हैं, दैट ऑल्सो प्लेज एन इफेक्ट ऑन आर मैसेज। अगर हम बहुत सी इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी जल्दी कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, सो हमारा मैसेज बहुत ज़्यादा नॉइजी हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे अब्रप्ट पॉजेस अगर हम लेना शुरू कर देंगे तो भी ये एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है। लेकिन प्रॉपर पॉजेस का होना बहुत ज़रूरी है। आपने अक्सर न्यूज़कास्टर्स को देखा होगा, न्यूज़ प्रेजेंटर्स को देखा होगा, आपने बीबीसी भी देखा होगा कि जो भी अच्छे कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हैं वो अपनी बातचीत में पॉजेस का इस्तेमाल करते हैं। पॉज लेना एक अच्छे कम्युनिकेटर का टूल होता है, क्योंकि अगर आप पॉज इंक्लूड नहीं करते अपने कम्युनिकेशन के अंदर तो आप कई मरतबा आपकी ऑडियंस आपके मैसेज को प्रॉपरली रिसीव ही नहीं कर पाती और आपका मैसेज, आपका जो मैसेज है वो भी मिक्स हो जाता है। जैसे हमने शुरू में एग्जांपल दी थी, रुको मत जाओ वाला जो मैसेज था, अगर हम इसके अंदर भी पॉजेस को रिमूव कर दें तो एक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि जिसके अंदर जो आपकी ऑडियंस है उसको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली इस वक्त कहने वाला क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने मैसेज को अप्रोप्रिएटली राइट टाइम के अंदर कम्युनिकेट करें, अप्रोप्रिएट पेस के साथ कम्युनिकेट करें। एक और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो फॉर्म है, अक्सर आपने जब आप सड़क पर जाते हैं, रोड पर जाते हैं, तो आपको अंदाजा नजर आता, आपको आइडिया होगा, कई मरतबा सिग्नल्स लगे होते हैं, कई मरतबा इशारे होते हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ये भी आपकी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें आप मैसेज ओरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बट एक आप मैसेज दे रहे हैं ट्रैफिक पे रुकी हुई गाड़ियों, आई मीन सिग्नल पे रुकी गाड़ियों को कि रेड लाइट आई है तो गाड़ी रुकी रहे, ग्रीन लाइट आ गई तो आप ट्रैफिक को चला लें। दिस इज अनदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप साइंस देते हैं, साइंस के जरिए आप बताते हैं कि अगर आपने एयरपोर्ट को जाना है तो आप स्ट्रेट चले जाएं, अगर आपने यू नो डाउनटाउन जाना है तो आप किस साइड पे चले जाइए। सो ऑल दीज वेरियस साइन लैंग्वेजेस आर आल्सो पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप अक्सर देखा होगा पुरानी मूवीज के अंदर, चार्ली चैप्लिन की मूवीज आपने देखी होंगी, उसके अंदर भी साइन लैंग्वेजेस के जरिए कम्युनिकेशन हो रही, आप कम्युनिकेशन होती है आपको देखी होगी, जिसके अंदर चार्ली चैप्लिन की मैसेज मूवीज आपने देखा होगा कि ज़रा बेसिक वर्बल कम्युनिकेशन नहीं थी, उसमें बॉडी लैंग्वेज का मेनली यूज था और बॉडी लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेशन हो रही। सो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मूवी, दैट वाज आई मीन वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, द चार्ली चैप्लिन मूवीज एंड इज देयर इन व्हिच देयर वाज नो आई मीन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वाज नॉट यूज्ड। सो हमने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को का ध्यान रखें, जेस्चर्स पॉस्चर्स का ध्यान रखें, जेस्चर्स पॉस्चर, हम लोग कैसे खड़े होते हैं किसी शख्स से बात करते हुए, हमारे खड़े होने का अंदाज क्या है, क्या हम अगर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हम क्या बहुत तेज से वॉक कर रहे हैं, बिकॉज बहुत तेज से वॉक करना भी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। ये कम्युनिकेट करेगा कि आप बेसिकली लोग आपके मैसेज के बजाय सर आपके तेज से जो आपकी टू एंड फ्रो मूवमेंट है उस पर उनका ध्यान चला जाएगा। अगर आपके मैसेज की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है तो भी अब लोगों के लिए बड़ा मसला हो जाएगा, बिकॉज लोग आपकी मैसेज की जो स्पीड है उस पर उनका फोकस जाएगा और दे विल नॉट बी एबल टू एग्जैक्टली ग्रैप योर मैसेज। सो इस बिना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप कम्युनिकेशन के अंदर वर्बल मैसेजेस और नॉन वर्बल मैसेजेस दोनों को इंपॉर्टेंस दें। हमने वर्बल मैसेज क्या होता है उसको भी देखा, नॉन वर्बल मैसेज क्या होता है उसको भी देखा। वर्बल मैसेज हर वो मैसेज के जिसके अंदर आप बात करके मैसेज कम्युनिकेट करते हैं वो वर्बल मैसेज है, और उस वर्बल मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए हर वो आपकी आपकी जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, आपका आई कॉन्टैक्ट, आपकी आपका आपके आपके जेस्टर्स, पेस्चर, आपके पॉस्चर्स, आपकी हैंड मूवमेंट, आपकी बॉडी मूवमेंट, आपकी टोन, ये तमाम आपके एक्सप्रेशंस, तमाम की तमाम चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक अहम हिस्सा है। सो विद दिस हमारे आज के इस लेक्चर का इख्तिताम होता है, पर्सनल स्किल्स, जिसमें हमने वर्बल मैसेजेस और नॉन वर्बल मैसेजेस दोनों को पढ़ा। आपको आइडिया हो गया होगा कि अपने आप को एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाने के लिए, इंटरव्यू में सक्सेस के लिए, आपको दोनों टाइप की कम्युनिकेशन को इम्पॉर्टेंस देनी है, वर्बल को भी और नॉन वर्बल को भी। अपने ड्रेसिंग को भी आपने इम्पॉर्टेंस देनी है, और उस ना सिर्फ ड्रेसिंग को बल्कि उसके साथ साथ अपने बातचीत के अंदाज को भी आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, लैंग्वेज का चुनाव को इम्पॉर्टेंस देनी है, और अपने मैसेज को अप्रोप्रिएटली जाके कम्युनिकेट करना है। अगले लेक्चर में आपसे दोबारा
इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इस मैसेज और इस लेक्चर के इख्तिताम पे हम पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच।